टोकना नहीं, आपके पास अभी सात खिलाड़ी बचे हुए हैं। अगली मरतबा सलाम चले उनकी गेंद, इस बार बाहर निकल कर मारने की कोशिश का आउट हुई है। सब उसके साथ बल्लेबाज हो चुके थे, नौवा जट यहाँ पर ट्रिपल जट का लगता हुआ फ्रंट जोन ओवन बाटा गोल की टीम को, और आउट होने वाले बल्लेबाज धीरे धीरे वापस जाते हुए बिना खाता खोले यहाँ पर बल्लेबाज आउट हो चुके। सभी को जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको मालूम है कि सीवी का एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ हर वर्ष करवाती है, इसी सीवी का एक्शन प्रोग्राम के तहत ही हम लोगों ने इस बार जो है क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें हमने प्रेफर किया कि सभी त्राल की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें, तो त्राल के जो इंटीरियर एरिया से बच्चे हैं उनको एक मंच देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इंटीरियर एरिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो हमारा उनको कहना था कि वो इस जगह पर आए और आगे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनमें टैलेंट जो है इंटीरियर एरिया में बहुत हैं, जिसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इससे ऑफ कोर्स बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे, और अगर उनमें अच्छा टैलेंट है और उनमें अगर टैलेंट है और उनको मौका दिया जाए तो ऑफ कोर्स वो आगे नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं। टोटल 12 टीम्स हैं हमारी क्रिकेट की, और टोटल 12 ही टीम वॉलीबॉल में भी हमने रखी है। 3 दिन के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके बाद में 2 दिन में वॉलीबॉल के इवेंट्स होंगे। यहाँ के यूथ्स को जो है स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना, जैसे आपने देखा है कि अभी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो भी चल रहा है, इससे पहले एशियन गेम्स भी हुई हैं, और एशियन गेम के दौरान में भी जो है हमको इस बार 107 मेडल मिले हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन का ही नतीजा है कि जो लोग जो है गेम्स के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और एज ए प्रोफेशन भी उसको ले रहे हैं। तो मेन हमारा पर्पज यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों, बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और गेम्स के प्रति उनका आकर्षण बढ़े।